Morning, students. Today we will see our chapter number 4, the story of Amrita. Exercise question number 4 only. ये जो question number 4 है ये है हमारा question answers का, है ना, जो long question answers है, right? तो हम लोग आज के lecture में just उसे revise करते हैं, ठीक है? So again मैं आपको वो क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ के फिर एक्सप्लेन करूँगी. फाइन, सो आर यू रेडी? ओके. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ खेजड़ी ट्रीज. ये जो खेजड़ी ट्री है इसके बहुत सारे यूजेस है, है ना. तो ये खेजड़ी ट्रीज जो है वो कौन से काम के लिए यूज हो सकता है. सो लेट्स सी द आंसर. The various uses of khejuri trees are as food, making medicines, furniture and staple feed for cattle. यानि कि खेजड़ी ट्रीज से खेजड़ी ट्रीज का जो यूज है वो है एज अ फूड, यानि कि उसे उसका जो एक फ्रूट होता है वो बीन्स बोलते हैं, जिसे वो फ्रूट हम खा भी सकते हैं, है ना. तो फूड के लिए उसका यूज हुआ. देन मेडिसिंस बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो वुड होता है वो इतना अच्छे क्वालिटी का होता है जिसको इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, तो वो ख़राब नहीं होगा, राइट. तो फर्नीचर बनाने के लिए खेजड़ी ट्रीज का यूज़ करते हैं. और ये जो खेजड़ी ट्रीज है इसके लीव्स जो है वो कैटल्स भी खाते हैं, तो जिसे बोला जाता है स्टेपल फीड फॉर कैटल. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन खेजड़ी ट्रीज. हमें खेजड़ी ट्री के बारे में कुछ 4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं. सो लेट्स सी आंसर. नंबर 1, खेजड़ी ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया. ये जो खेजड़ी ट्रीज है वो मोस्टली कहाँ पे हमें दिखते हैं, तो वो होते हैं डेजर्ट एरिया में. देन नंबर 2, इट इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज ट्री. ये जो खेजड़ी ट्रीज होते हैं वो एक तो छोटे होते हैं या फिर मीडियम साइज के ऐसे होते हैं. देन नंबर 3, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. ये खेजड़ी ट्रीज जो है वो बहुत कम पानी में भी अच्छे से ग्रो करते हैं, उसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है. देन नंबर 4, इट बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. इसका जो बार्क होता है, जो ट्रंक होता है ये ट्री का, तो उसका जो टेक्सचर ऊपर होता है दैट इज़ बार्क, तो ये बार्क से मेडिसिन भी बनते हैं. ओके. नंबर 3, वॉट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बींग कट डाउन. यानि ये ट्रीज को प्रोटेक्ट करने ट्रीज को कट डाउन होने से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. सो द आंसर इज, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यूज लेस पेपर सेव ट्रीज, मिनिमाइज द यूज ऑफ डिस्पोजेबल वुड मटेरियल्स एक्सेट्रा. यानी कि हमें अगर ये ट्री को कट डाउन होने से अगर बचाना है, तो कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकते हो. अगर ये समझ लो कि सानंद में कट डाउन नहीं हो रहा है ट्रीज का, और अगर कोई दूसरे एरिया में कट डाउन हो रहा है, तो आप तुरंत वहाँ पे पहुँच सकते हो? नहीं. दो तीन जगह पे कट डाउन हो रहा है तो आप तुरंत पहुँच सकोगे? नहीं. तो क्या होता है, ट्रीज तो कटना है तो कटते ही है, कोई उसे बचाता है, लेकिन हर जगह पर हम लोग नहीं पहुँच सकते. तो हमें क्या करना है, हमें प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें जस्ट प्लांटेशन करना है, हमें सिर्फ प्लांट्स लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे. देन हमें ये जो पेपर है जिस पे हम लोग लिखते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक के पेपर है, नोटबुक के पेपर है, इसका कम इस्तेमाल करना है, नहीं तो हम बहुत सारा गेम खेल खेल के बिगाड़ देते हैं पेपर्स, है ना. तो कम इस्तेमाल हमें करना है पेपर्स का, तो ट्रीज भी बचेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है ये ट्रीज से ही बनते हैं. देन है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल वुड मटेरियल. ये जो वुड मटेरियल के भी डिस्पोजेबल अभी मिलते हैं, सिर्फ थर्माकोल के नहीं मिलते हैं या फिर पेपर के नहीं मिलते हैं, तो वुड मटेरियल के भी डिस्पोजेबल मिलते हैं जिसका हमें कम से कम इस्तेमाल करना है ना. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिसको हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हम ट्रीज को प्रोटेक्ट करने से ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके, कट डाउन होने से उसको बचा सकते हैं। देन है नंबर 4, नेम एनी 5 एनिमल्स विच आर एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड। हमें कोई भी 5 एनिमल्स का नाम लिखना है जो कि एक्सटिंक्ट है और एंडेंजर्ड है। एक्सटिंक्ट यानी कि जो अभी दिखते ही नहीं है, जो एनिमल्स का नामो निशान ही नहीं है ना, और एंडेंजर्ड यानी जो कि अभी दिन ब दिन कम कम होते जा रहे हैं, दैट इज द एंडेंजर्ड। सो द आंसर इज एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम लोग पहले एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स देखेंगे। डायनासोर्स हमें दिखते हैं अभी? नो, वो है ही नहीं अभी। डायनासोर्स है, डोडो बर्ड है, गोल्डन टोड। गोल्डन टोड यानी कि ये डोडो बर्ड होता है, एंड गोल्डन टोड यानी कि ये जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के जो एग्स में से जो बच्चा निकलता है उसको हम थोड़ा स्लाइटली ग्रो हुआ रहता है तो उसे हम टोड बोलते हैं, लेकिन ये गोल्डन कलर का टोड तो वो भी हमें नहीं दिखता है। पैसेंजर पिजन एंड स्पैरो है ना, ये भी अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, राइट। देन है एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसमें है टाइगर, चीता, जैंट पांडा, पैरोट एंड एशियन एलिफेंट। इनकी जो मात्रा है वो दिन ब दिन कम कम होते जा रही है, तो जिसे हम एंडेंजर्ड बोलते हैं, ओके। देन है लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैनाज डिसअपीयरिंग फ्रॉम सिटीज। ये जो स्पैरो एंड मैना जो है वो अभी सिटीज में हमें क्यों नहीं दिखते हैं? तो आंसर इज हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन आर मेन रीजंस फॉर डिसअपीयरिंग फ्रॉम सिटीज ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैनाज। यानी ये जो 3 रीज़न है, जैसे कि हंटिंग उन्हें मारते हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत कम ट्रीज अगर बच गए हैं, ट्रीज कट आउट होंगे तो उनका नेस्ट भी चला जाएगा, घर भी चला जाएगा, देन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से भी ये मर जाते हैं। तो ये 3 रीज़न्स है जिससे ये जो स्पैरो एंड मैना है ये सिटीज से दूर हो गए हैं, ठीक है, सिटीज से चले गए हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है हमारे लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपका होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपने ऑलरेडी लिख चुके हो आपके ईवीएस के नोटबुक में, ठीक है। तो अभी आपको जो आपका फेयर ईवीएस का नोटबुक है उसमें इसको फिर से नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको फिर से ईवीएस के नोटबुक में नहीं लिखना है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको आपकी होमवर्क नोटबुक में लिखना है। जो आपकी होमवर्क नोटबुक अलग सी होती है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, जिसमें आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे लिखते हो, तो आपको ये जो आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस है ये आपको 2 2 टाइम्स लिखना है आपके होमवर्क के नोटबुक में। क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर 2 टाइम, क्वेश्चन 1 टाइम, आंसर 2 टाइम। अंडरस्टूड? मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ आपको ये चीज़ कि इसको आपको फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपके होमवर्क के नोटबुक में लिखना है 2 टाइम्स, ओके ओके देन। एंड जस्ट ओरली मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, कल मैं इसका मैसेज भी करूँगी, दैट थर्सडे, ये जो वेनसडे के बाद जो अभी थर्सडे आएगा वो डेट होगा 20, है ना। तो थर्सडे को मैं आपका लेसन नंबर 1 का सब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाली हूँ, जो कि पहले मैंने आपको ये बताया था, सिर्फ मैंने डेट नहीं बताई थी, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन टेस्ट इसका लेने वाली हूँ, लेसन नंबर 1 का, जो कि है, कौन सा है हमारा लेसन नंबर 1? सो ये लेसन नंबर 1 जो है
लेसन नंबर वन का मैं आपका ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाली हूँ। तो सब्जेक्टिव यानी आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है उसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे और साथ में वन वर्ड को भी रिवाइज करोगे, ठीक है। सो उसके पहले मैं आपको मैसेज भी दूंगी और जूम मीटिंग में आपको इनवाइट भी करूंगी, ठीक है। सो हमारा लेसन नंबर वन है लेट्स गो टू स्कूल, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको रिवाइज करने हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।